लखनऊ के इफ्को गार्डन में सौभाग्य संविदा इंजीनियर के कुछ इंजीनियर आप देख रहे होंगे हमारे सामने कि यहाँ पे धरना दिए हुए हैं। हम बात करेंगे कुछ इंजीनियरों से कि इनकी क्या मांगे हैं और ये क्यों धरना दिए हुए हैं यहाँ पे। बात करते हैं कुछ इंजीनियरों से। आपका? मेरा नाम कुंदन कुमार है। कुंदन कुमार जी, काय के लिए धरना दिए हुए हैं आज? हम लोग UPPCL में, हम लोगों को UPPCL ने हायर किया था 2000 इंजीनियर्स को, 2 साल का एक्सपीरियंस लेकर के। बट इन्होंने हमें 6 महीने में ही बाहर निकाल दिया 2000 इंजीनियर्स को, जो कि सरासर नाइंसाफी है। 2000 इंजीनियर्स रोड पे आ जाएंगे, वो कहाँ, उनका जॉब कहाँ लगेगा, वो कहाँ जाएंगे, इसकी कोई निश्चिंतता नहीं, इसकी कोई यहाँ पे प्रबंध नहीं है। हम लोग यहाँ पे बहुत परेशान हैं, सरकार हमारी बात सुन नहीं रही है। कुछ लोग हमारे बीच में ऐसे भी हैं जो 2 महीने पहले ज्वाइन किए हैं, उनका तो पूरा ये कहना है कि हमारा करियर ही चौपट हो गया, 2 महीने का एक्सपीरियंस हमारा कहाँ काउंट होगा। सरकार पे इस तरीके से हम लोग भरोसा नहीं कर सकते कि आप 2 महीने में या 6 महीने में हमें बाहर निकाल दोगे। कुछ लोग तो यहाँ आत्महत्या करने के लिए भी तैयार है। उनको क्या कहेगी सरकार? उनके प्रति क्या सहानुभूति है? अभी तक हम यहाँ पे लगभग 10 दिन हो गए हमें यहाँ पे बैठे बैठे, अलग अलग जगहों पे हमने धरना दिया है, बट हमें कोई आश्वासन नहीं मिल रहा है। ज़्यादा दिन तक ये नहीं चलेगा, 10 दिन 5 दिन और हम लोग ये बर्दाश्त कर सकते हैं। बाद में हम लोग यहाँ पे अपने कुछ लोगों को रोक नहीं पाएंगे कि वो कुछ अपने साथ कर लेते हैं तो हम उनको समझा नहीं पाएंगे। अभी तो हम समझा रहे हैं, बाद में उनको हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो सरकार इस पे जल्द से जल्द कोई ना कोई कार्रवाई करे, हमें जॉब के अंदर वापस ले, जल्द से जल्द वापस ले, नहीं तो ये बहुत ही उग्र रूप ले सकती है। अमित कुमार कहाँ से आए आप? मैं सर बांदा से, मैं मिशन मैनेजर के पद पर काम करता हूँ। बताइए क्यों धरने पर बैठे हुए हैं? सर एक्चुअली हम लोग पहले UPPCL में एक विज्ञापन आया था जिसमें कि 2-3 साल के एक्सपीरियंस इंजीनियर को लिया जा रहा था। हम लोग कहीं ना कहीं ऑन रोल जॉब कर रहे थे, उसको छोड़ करके UPPCL ज्वाइन किए। इसलिए ज्वाइन किए क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस खोज रहा था और साथ में हम लोगों ने सोचा कि अच्छा योजना है और हम लोग का नाम होगा और हम लोग आगे के लिए भी अच्छे होंगे, क्योंकि इसमें मिशन मैनेजर एज AE और मिशन एसोसिएट एज JE के पद पे निकला था विज्ञापन। इसी वजह से हम लोगों ने यहाँ पे ज्वाइन किया था सर। लेकिन हमें क्या पता था कि ये सरकार 6 महीने में हम लोगों के साथ इतना बड़ा धोखा कर देगी और हम लोगों को सीधे सीधे रोड पे ला के खड़ा कर देगी। 6 महीने के एक्सपीरियंस हम कहाँ दिखाएं और किस कंपनी में अभी जॉब मिलने के लिए हम लोग को बैठा हुआ, कौन कंपनी लेने के लिए। लगभग कितने लोग हैं आपके साथ में? हम लोगों के 2000 से ज़्यादा एम्प्लॉय है UPPCL के अंदर जिन्होंने मिशन मैनेजर और मिशन एसोसिएट के पद पे काम किया है। और पूरा UPPCL को, जहाँ तक जिला को सौभाग्यशाली घोषित हुआ है, उसमें हम लोग का बहुत बड़ा रोल है। जिला सौभाग्यशाली घोषित हो गया, राज्य सौभाग्यशाली घोषित हो जाएगा, लेकिन हम लोग के साथ ये दुर्भाग्यशाली खेल खेला जा रहा है। हम लोग कहाँ जाएंगे सर, हम लोग क्या करेंगे ये अब सरकार जाने, और सरकार की नीति क्या है हम लोग के खिलाफ वो सरकार बताएगी। ये हम लोग के करियर के ये आंदोलन कहाँ तक जाएगा आपका? जब अनिश्चित काल आंदोलन चलेगा, जब तक हम लोग के साथ निर्णय नहीं लेगी कोई सरकार, तब तक हम लोग ऐसे ही अनशन करते ही रहेंगे। हमें चाहता हूँ। क्या नाम है आपका? अनूप सिंह, फ्रॉम सिरसागंज, फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट से मैं। ये बेरोजगारी आज इतनी बड़ी समस्या बनी हुई है पूरे भारत में। एक तो बेरोजगार मिल नहीं पा रहा है, लेकिन जिनको मिला भी उनका भी रोजगार चला जाएगा, वो कैसे सर्वाइव करेंगे? एक्चुअली वी डोंट वांट गेट टू बी परमानेंट इन UPPCL, बट वी वांट अ सर्वाइव इन UPPCL, बिकॉज बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है। इतना फ्रस्ट्रेशन है बता नहीं सकता हूँ। और अगर ये नाटक करते हैं कि UPPCL के पास काम नहीं है, दे हैव लॉट ऑफ वर्क, UPPCL में बहुत सारा काम है, ये सब जानते हैं, हमारे सारे इंजीनियर जानते हैं, किसी से आप पूछिए। UPPCL के पास काम नहीं है, जो 60 साल से आप काम नहीं कर पा रहे थे, वो काम आपको हमने 7 महीने के अंदर करके दिया और आप हमें धक्के मार के बाहर कर रहे हो। हमारे यहाँ कोई भी बात, हमारी कोई बात UPPCL नहीं सुनेगी। हमें पता है कि डिपार्टमेंट कुछ नहीं कर पाएगा, अगर कोई हेल्प कर सकता है तो वो केंद्र सरकार, वो है राज्य सरकार। तो मैं इसलिए अब राज्य सरकार ने अभी, जैसे कि योगी जी का भी एक बड़े अखबार में एक आया था कि 1 लाख आदमियों को उन्होंने वैकेंसी नौकरी दी है। जी जी जी, देखिए क्या सर, लोग विधानसभा इलेक्शन से पहले अमित शाह जी UP आए थे, उनका वीडियो में वायरल हुआ था और उन्होंने कहा था कि 80% रोजगार हम UP के लोगों को देंगे, यहाँ के जो भी हैं, UP बिहार कहीं के भी हों, उनको वहाँ के लोकल लोगों को हम रोजगार का साधन देंगे, फैक्ट्रियाँ खोलेंगे, कोई एक फैक्ट्री बता दे कहीं खुली हुई हो और कहीं रोजगार मिला हो। एक तो बड़ी मुश्किल से रोजगार मिला और उस चीज को छोड़ छोड़ करके। तो आपको लगता है ये सरकार जुमले की सरकार है? बिल्कुल जुमले की सरकार है, सिर्फ कहा जा रहा है और कुछ नहीं किया जा रहा है। हम मोदी के साथ हमेशा सपोर्टर रहे हैं, हमेशा BJP सपोर्टर रहे हैं, हमेशा उस सरकार के साथ खड़े रहेंगे, लेकिन हमारे साथ उन्हें खड़ा रहना चाहिए और खड़ा रहना पड़ेगा, क्योंकि हमारी मांगे जो है जेन्युइन मांगे हम कर रहे हैं।
कोई खेल नहीं खेल रहे हैं। 7 महीने के अंदर जो हमने रिजल्ट करके दिया है उस चीज़ को उठा के वो देख लें। और मैं गवर्नमेंट से कोई ये चीज़ नहीं चाहता हूँ कि हमें परमानेंट करें, इसमें हमारी किसी की मांग नहीं परमानेंट करें, क्योंकि हमारी रोजी रोटी चले, हम सिर्फ इस चीज़ की मांग कर रहे हैं। हम साइन करने के लिए हमारा एसोसिएशन तैयार है, साइन करके देंगे कि हम भविष्य में जिंदगी में कभी परमानेंट होने की मांग नहीं करेंगे। कोई नहीं करेगा हमारे से, बीच से कोई नहीं करेगा, लेकिन हमें सिर्फ रोजगार से निकाला नहीं जाए। दैट्स द पॉइंट, दैट्स द मैटर। थैंक यू। देखिए, बहुत लोगों से हमने बात की यहाँ पे, और ये आप देख भी रहे होंगे कैमरे की नज़र से कि ये सब इंजीनियर हैं और बहुत ही त्रस्त, बहुत ही परेशान हैं। यूपीपीसीएल हमारी मांगें पूरी करो।